गुड मॉर्निंग। तो मेरी मॉर्निंग गुड हुई थी क्योंकि मैं उठी थी 10:30 बजे। फिर मैं धीरे धीरे फ्रेश हो रही थी 12:30 बजे तक। और स्वागत है इनका जो हमारे चैनल में बहुत नए हैं, जिनका नाम है बैटरी। और इनके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट दिए जाए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा चैलेंज स्टडी विद मी वीडियो करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, मैंने कितने सारे असाइनमेंट्स मेरे कंप्लीट नहीं किए, तो मैंने सोचा कि स्टडी विद मी वाला वीडियो बनाते थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ, लाइक नॉट प्रॉपर रीडिंग और लर्निंग बट हाउ आई कंप्लीट माय असाइनमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं ज़्यादा इस वीडियो में बोलना नहीं चाहती हूँ, आई विल शो यू एवरीथिंग एंड वॉइस ओवर इट, लेट्स गो। द फर्स्ट थिंग यू ऑलवेज नीड इज अ राइटिंग पैड, ऑल्सो अ डायरी, सम बुक्स इन विच यू नीड टू कंप्लीट, सम पेन्स, ऑल्सो अ वेरी नाइस पेंसिल, मेरी तरह जैसे कि अप्सरा डार्क में यूज़ करती हूँ, ऑल्सो अ स्केल विच इज़ ब्रोकन लाइक माई किस्मत। यस, यू ऑल्सो नीड टू डिवाइसेज, वन फॉर ट्रांसफर एंड वन फॉर रिसर्च। As I said you, you must have two devices. It may be two phones or one phone, one laptop or anything else, but you must have two devices so that एक चीज़ में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर आप एक चीज़ में एक फ़ोन में ऑनलाइन देख रहे हो क्वेश्चन, तो आप अगर उसका रिलेटेड आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यू कैन सर्च इट इन द नेक्स्ट फोन, सो दैट इट इज़ ईजियर एंड इट सेव्स टाइम। यस, तो मेरे पास अभी 2 devices है फिलहाल तो, लेकिन एक से मैं शूट कर रही हूँ तो मैं सारी चीज़ें उसमें जितनी भी है मैं लैपटॉप में ले लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू मी आपके पास कुछ खाने के लिए और पीने के लिए भी होना चाहिए। नाउ लेट्स ट्रांसफर आवर थिंग्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर सो दैट इट इज इजीियर टू So I started to transfer things from one device to another and also meanwhile I was eating. So आपके पास भी कुछ खाने के लिए होना चाहिए, वो ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एंगल पे थोड़ी अलग चली गई थी, इट वॉज़ रॉन्ग बट नथिंग इम्पॉर्टेंट इज रिटन, इट्स ओनली रिटन असाइनमेंट कम्प्लीशन, जो टॉपिक है आज का वही मैंने लिखा था बस। Now as we have a right angle, let's start parting the page into 2 parts. मेरे यहाँ पे 2 assignment complete करने थे, इसीलिए मैंने 2 parts किए हैं, आप कितने भी parts कर सकते हो। And let's start writing what we need to complete. Remember one thing, आप जो भी लिखो, कुछ भी लिखो, थोड़ा huge लिखो ताकि आपको देखने में problem ना हो एंड प्रेजेंटेबल दिखे। छोटा छोटा लिखेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड राइटिंग व्हाट इज नीडेड टू बी कंप्लीटेड एंड ऑल्सो आई एम हैविंग सम चना ओवर हियर। मैंने आप लोगों को भी बोला हुआ है कि आप कुछ खाने को लेकर ही बैठिए ताकि आपको यू नो बोर्ड फील ना हो। ये फर्स्ट असाइनमेंट की बुक है जो हमको कंप्लीट करनी है, लेकिन एंगल थोड़ा रॉन्ग हो गया था तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल कैन सी हमें इतने सारे क्वेश्चन कम्प्लीट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं इससे। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप राइटिंग पैड ले लीजिए और आपको जिसमें कंप्लीट करनी है वो वाली बुक भी आप साथ लेकर ही बैठिए। जैसे मैंने कि आपको पहले कहा था, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक रजिस्टर, बिकॉज हमें वैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको रजिस्टर में लिखना है, तो मैं स्टार्ट करूँगी रजिस्टर में लिखना। ऑलवेज स्टार्ट विद अ हेडिंग ऑन द टॉप टू क्रिएट लेस कन्फ्यूजन। नाउ ऑलवेज हैव अ गुड प्रेजेंटेबल स्किल सो दैट आप जो भी लिखने वाले हो वो प्रेजेंटेबल दिखे। एंड स्टार्ट करिए लाइनिंग से, जो कि मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे जैसी बोली गई है या मुझे जैसी ठीक लगती है वैसी मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ आई स्टडी इन कॉलेज। बट अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आपको जैसे स्कूल से इंस्ट्रक्ट की गई हो आप वैसी ही लाइन्स ड्रॉ करें।
अब यहाँ पे मैं साइड में तो लाइंस ड्रॉ कर ही रही हूँ, साथ में मैं आगे भी लाइन ड्रॉ करूँगी, जैसे इंडेक्स के लिए नोटबुक्स में होती है वैसे रजिस्टर्स में नहीं होती है, तो मैं वहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ करने वाली हूँ। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप एक साइज ही सारे लाइंस ड्रॉ कर लीजिए सारे पेजेस पे, बिकॉज आपको बीच बीच में फिर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे और आपको बोर्ड फील ना करे, इसलिए आप एक साथ ही ये सारा काम कर लीजिए। अब जो है वो आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको लिखने हैं, आप उसके आंसर्स एक साथ टेक्स्ट बुक में सर्च करके टिक करके रखिए, अच्छे से नंबरिंग कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज पे है, एंड आप क्वेश्चन के बाजू में भी वो नंबरिंग कर सकते हैं पेज नंबर का, बट मैंने यहाँ पे वो नहीं किया है, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर्स टिक कर रही हूँ बिकॉज ये चैप्टर मेरा थोड़ा स्मॉल था इसके लिए, तो मुझे वो आंसर मिल चुका है तो मैंने यहाँ पे मेरा आंसर टिक कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है और वो टॉपिक को पूरा पढ़िए ताकि आपको पता चलता है कि उसमें एक्चुअली आपको लिखना क्या है, बिकॉज अगर आप हायर स्टैंडर्ड में हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपिक है उसका आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, तो आपको एक साथ वो सारी चीज़ें ढूंढ लेनी है एंड देन आपको नोटबुक में लिखना स्टार्ट करना है। अब ये जो एक टिप है वो सिर्फ हायर स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है बुक में या फिर आंसर बहुत ट्रिकी हो जाता है ढूंढना, तो आप गूगल की मदद से आप वो आंसर सर्च कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आप अच्छे से सर्च कीजिए व्हाट इज़ द क्वेश्चन, अच्छे से आंसर जो आया है आफ्टर सर्चिंग इट, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए कि वो रिलेटेड है कि नहीं, बिकॉज अगर क्वेश्चन आप दूसरा लिखते हो एंड आंसर उससे रिलेटेड नहीं होता है तो इट्स नॉट गुड, एंड वो आपको मार्क्स भी स्कोर करने में हेल्प नहीं करता है। तो ध्यान से पढ़िए, सारे टॉपिक्स ओपन करके सारी लिंक्स चेक करिए, सारे साइट्स चेक करिए, एंड फिर ही आंसर सिलेक्ट करके उसको आप लिख सकते हैं। एंड कभी भी ऐसा मत कीजिए कि जितना गूगल पे वो पूरा लिखे, गूगल पे से कुछ इन्फॉर्मेशन ले, कुछ आप खुद का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अंदर, एंड कुछ थोड़ा बुक्स में से भी लीजिए, तो वो मिसलेनियस आंसर आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करता है। कभी कभी आंसर्स हिडन होते हैं, जो पॉइंट्स बहुत इजी होते हैं वो कभी कभी बहुत अंदर से लिखे होते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, आप अच्छे से समझिए, एंड अगर कोई मीनिंग समझ में नहीं आता तो गूगल की मदद कीजिए, बट हिडन आंसर्स भी होते हैं, उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है वो मैं एक्चुअली एक नोट अंडरलाइन कर रही थी जो कि रिलेटेड टू मेरा क्वेश्चन ही था। यहाँ पे थोड़ा कैमरा एंगल रॉन्ग हो गया इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑलवेज़ जो नोट्स होती है, जो हाइलाइटेड चीज़ होती है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ ओनली, उस पर भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत से आंसर्स वन लाइनर्स उसके अंदर ही हिडन होते हैं। जैसे कि हमने अभी सारी चीज़ें एक साथ सर्च कर ली है, तो अभी सिर्फ हमारा एक ही काम है जो कि है क्वेश्चन आंसर्स को राइट डाउन करना। क्वेश्चंस आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स आप हमेशा खुद से लिखने की ट्राई कीजिए, बुक्स में से पढ़िए जिसमें से आपने टिक किया हुआ है आंसर को, एंड अच्छे से उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, एंड देन आप उसको लिखिए बाय योर ओन। कॉपी करेंगे तो वो क्या है, आंसर्स अच्छा लगेगा बट फिर आपको कुछ आएगा नहीं, मतलब आपको कुछ बाय हार्ट नहीं होगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे सब कुछ टिक कर लिया, अब मैं सिर्फ वन गो में सारा कुछ लिखने वाली हूँ, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करने वाली हूँ। द अदर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप क्वेश्चन की मीनिंग पे जाइए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट करना है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप सिर्फ उसको स्टेट कीजिए। अगर लिखा है कि एक्सप्लेन, तो उसे आप अपने वे में एक्सप्लेन कीजिए। अगर लिखा है एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आप उसको फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना, आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए एंड उसके हिसाब से आंसर लिखिए। आंसर मेन आंसर एक ही होगा, लेकिन उसके वेज अलग अलग होंगे, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड जितना बुक में लिखा है टेक्स्ट बुक में, उतना ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, आप अपनी खुद की लाइंस भी ऐड कीजिए, और मैं भी वही करती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ आप हमेशा पॉइंटर्स यूज़ कीजिए आंसर लिखने को। अगर आप स्मॉल स्टैंडर्ड में स्टडी करते हो तो पैराग्राफ्स में लिखना समझ में आता है, बिकॉज दे ओनली
मेमोराइज एंड राइट व्हाट दे हैव इन देयर माइंड। बट अगर आप हाई स्टैंडर्ड में स्टडी करते हो तो आपको उसे पॉइंट्स बनाकर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं लिखोगे तो यू लुक लाइक अ किड, यू एक्ट लाइक अ किड, इट सीम्स लाइक। तो आप हमेशा, मैंने यहाँ पे एरो यूज़ किए, आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हो, आप नंबरिंग कर सकते हो, आप रोमन न्यूमरल्स यूज़ कर सकते हो, आप 1, 2, 3 लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वैसे करके आप पॉइंटर्स यूज़ कीजिए, उसकी प्रेजेंटेबल दिखता है आंसर और कुछ नहीं, एंड थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखता है। जैसे हर एक लाइन मैंने यहाँ पे लीव की है एक पॉइंट के बाद, तो आपको भी वैसा ही करना है। नाउ दिस वॉज द वे मैंने अपना पूरा असाइनमेंट ऐसे ही कम्प्लीट किया है। आप चाहे तो जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं आप ध्यान में रख के आप भी कर सकते हैं वैसे ही। Okay, so this is how we have completed our assignment or say book completing. तो throughout the video मैंने आप लोगों को tips दी है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन the main tips which are highlighted in this video will be always set a mind that you need to complete it today itself or whatever time you have. I usually complete my books or whatever assignments at weekends. So today is Sunday, so I thought of just doing this video. The second tip, which is gather all your books, सारी books जितने की भी assignment complete करनी है या books complete करनी है तो वो सब एक ही बार में लेके बैठो ताकि आपको घड़ी घड़ी उठना ना पड़े। The third tip is कि एक प्लान बना लो अपने दिमाग में कि मुझे कैसे कैसे कंप्लीट करना है, एंड मैं थ्रू आउट दिस टाइम मैं कंप्लीट कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। यू विल बी एबल टू डू इट डेफिनेटली। एंड प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आई स्टडी इन कॉलेज सो आई कैन प्रिफर वॉट आई डू इन प्रेजेंटेशन। अगर आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल के हिसाब से प्रेजेंटेशन करने बोलते हैं, आप वैसा भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जैसा लगा मैंने वैसा किया, बिकॉज योर होमवर्क और वट एवर शुड बी नीट एंड क्लीन। तो जो भी है पढ़ने वाला टीचर और वट एवर पेपर चेक करने वाले या जो भी हो सर या टीचर, उन्हें अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, ताकि उनको पढ़ने में अच्छा लगे। द नेक्स्ट टिप विल बी, आप जो भी लिखते हो, इट मे बी योर होमवर्क और असाइनमेंट और बुक कम्प्लीटिंग वट एवर, आप जो भी लिखते हो कभी भी उसको कॉपी करके मत लिखो। और जो चीज़ नहीं आती है थ्रू आउट द सम और थ्रू आउट द आंसर, उस चीज़ को तो बिल्कुल डेफिनेटली कॉपी मत करो, उसको खुद समझने की ट्राई करो, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली मैं कहाँ पे रॉन्ग जा रही हूँ या फिर कौन सी चीज़ मुझे नहीं आ रही है जिस पर मुझे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त जो हमें आ रहा है, जो इजी है, वो हमें इजीली आ जाएगा, झट से बाय हार्ट हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ नहीं आती हमने तब कॉपी की थी, तब हमारे माइंड में से भी वो एक्सप्लेनेशन निकल जाएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो जब भी आप होमवर्क करने बैठो या कुछ भी करने बैठो, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है आप उस पर फोकस करो। जो चीज़ आ रही है आप उसको कभी कभी थोड़ा सा कॉपी करेंगे तो चल सकता है, लेकिन जो चीज़ नहीं आ रही है इसको प्लीज़ कॉपी मत करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉय एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन गेट्स यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। आप लोगों को कुछ तो हेल्प मिली हो इससे, मैं यही होप करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाई।